बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों, पंजाब और केपी के अजखुद नोटिस का आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग थी और नौ रुकनी बेंच पहले जो था उसमें से चार जो मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो अलग हो गए और ये सिर्फ पांच जजेस का बेंच रह गया था। तो आज भी पूरे दिन इसकी जो है ना समाअत जारी रही और शाम को ये केस महफूज किया गया। शुरू में तो यही खबर आ रही थी कि इस केस का जो फैसला है वो मुमकिन तौर पर शॉर्ट ऑर्डर है, इसका मुख्तसर फैसला है, वो आज के ही दिन सुना दिया जाएगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई कि इसका जो फैसला है वो कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से अजखुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो आज के पूरे दिन इसकी हेयरिंग जारी रही जहां सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदन हैं उनको भी सुना गया। फिर उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उनका एतराज था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदन हैं आबिद जुबेरी, उनको तो अलग कर दिया था इस केस से। लेकिन फिर चूंकि उनका एतराज था कि इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे इसलिए ये वैलिड नहीं है, तो आज के दिन भी जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह है इसमें, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए जो उनसे वकीलों से, और फिर चीफ जस्टिस जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके भी जो रिमार्क्स थे वो आज सारा दिन मीडिया में चलते रहे और बहुत ही समझ लें अहमियत के हामिल उनके रिमार्क्स थे इस केस को लेकर। उन्होंने कहा हमें ये देखना है कि आईन के मुताबिक जो है ना हमें चलना है, हमें किसी भी फरीकेन की जो है ना उसके प्रेशर में नहीं आना, और अगर आईन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं असेंबली तहलील होने के बाद, तो हमें उसी ही मतलब आईन को ही उसकी तशरी करनी है। तो आज के दिन जो सदर पाकिस्तान के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने जो केपी के असेंबली की जो तारीख देने का फैसला वो था सदर पाकिस्तान का डॉक्टर आरिफ अलवी का, उस जो है ना पिटीशन से अपने आप को विड्रॉ किया और इसके बाद जो है ना फिर मजीद इस केस की प्रोसीडिंग चलती रही। तो अब कल का दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, वो इसलिए कि कल के दिन इसका फैसला आएगा और अगर फैसला जो है अपोजिशन के हक में आता है, इमरान खान उनकी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतालबा कर रहे हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, सारे ज़मीनी इलेक्शन वो जीत रहे हैं, तो वो समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं जल्दी तो उनके लिए फ़ायदा होगा और वो दोबारा से इक्तदार में आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शंस कमीशन का कहना है कि भाई हमें इलेक्शन कराने में तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उसके लिए जो फंड्स हैं और सारे जो इंतज़ाम हैं वो तो हुकूमत ने ही करने हैं, उसके बाद ही हम जाकर डेट दे सकते हैं जब पूरी तरह से हम तैयार होंगे। तो एक तरफ पीडीएम और इलेक्शन कमीशन है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये भी कहा कि तमाम जो फरीकैन हैं सियासी पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ कर कोई हल निकालें इस चीज़ का कि इलेक्शंस कब होंगे या ये मामला कैसे आगे चलेंगे। तो बाकी तमाम तो पार्टियां वो तो राजी हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन पीटीआई ने इस चीज़ से इनकार किया कि वो निगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान इत्तेहाद है उनके साथ बैठने के लिए वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कल के दिन ये देखते हैं कि फैसला किस हक में आता है, या एक ऐसा फैसला आता है जो दोनों तरफ 50-50 हो, जिसमें किसी भी फरीकैन की कोई जो है ना हार जीत ना हो, और एक मुबहम सा या गोलमोल सा फैसला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं या वो कहती हैं कि भाई आपने हर हाल में कराने ही हैं इलेक्शंस, तो जाहिर सी बात है जो पीडीएम की जो हुकूमत है वो इस फैसले से खुश तो नहीं होगी। ऑलरेडी जो इरफान कादिर साहब हैं मुशीर हैं, वो बहुत बड़े कानूनदान भी हैं, वज़ीर आज़म के वो मुशीर हैं कानून के हवाले से, तो उनका कहना था कि जो भी फैसला आएगा वो हम अगर वो हमारे हक में नहीं होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हम उसको उस तरह से नहीं मानेंगे। तो वैसे ही जजेस में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस बेंच में,
कुछ जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने एतराज किया कि भाई असखुद नोटिस बनता ही नहीं है, किस तरह से असखुद नोटिस ले लिया गया। और कुछ जजेस पे जो हुकूमत पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने इल्जामात लगाए और उन्होंने दरख्वास्त दी कि भाई इनको इस बेंच से अलग किया जाए, ये बाइस्ड हैं या ये जो है ना इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं करते, इनके जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो एक जमात के ही टिल्टेड होते हैं। तो अब देखते हैं कल क्या फैसला आता है, जो भी फैसला हो दुआ को यही है कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो और पाकिस्तान की बेहतरी हो। उसमें वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।